अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ें जो थी वो देखी थी। तो आज हम बात करेंगे एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है इसके मेनली दो टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल थे इसके। एक को हमने नाम दिया था इन्वर्टिंग टर्मिनल और दूसरे को हमने नाम दिया था नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो ये हमने जो इनकी नॉमेनक्लेचर देखी थी वो उन टर्मिनल्स की प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे देखी थी। यानी अगर हमारे पास ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो इसकी ये हमारी दो इनपुट्स हैं, ये आउटपुट टर्मिनल है, ये उसकी पावर सप्लाईज हैं। तो ये हमारी जो है वो इन्वर्टिंग है इनपुट और ये हमारी नॉन इन्वर्टिंग है। तो अगर हम जो इनपुट है वो अपने इस टर्मिनल को देते हैं और जो पॉजिटिव टर्मिनल है या जो नॉन इन्वर्टिंग है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं, तो अगर हमारी जो इनपुट है वो इस फेज में है तो हमें जो आउटपुट मिलेगी वो एम्पलीफाई होके इन्वर्टेड मिलेगी। तो इसलिए हमने इसको जो है वो नाम दिया था इन्वर्टिंग इनपुट। और इसी तरह अगर हम बात करें नॉन इन्वर्टिंग की, उसमें अगर इनपुट जो है वो हमारी ये वाली होगी तो अगर उसमें हमारी इनपुट ये है तो जो आउटपुट होगी वो सेम फेज के साथ एम्पलीफाई होकर हमें जो है वो मिलेगी। तो इसलिए इसको हमने नाम दिया था इन्वर्टिंग इनपुट और इसको हमने नाम दिया था नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। लेकिन इस बात को आपने जहन में रखना है कि अगर हम एक इनपुट पे सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी फर्ज करें कि आपने जो सिग्नल जो है वो यहाँ पर अप्लाई किया है, इसका अपने बिहेवियर देखा है नॉन इन्वर्टिंग का, तो जो इन्वर्टिंग जो हमारी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है इट मस्ट बी ग्राउंडेड। तो ये हमारी जो है इसकी ये आउटपुट के हिसाब से होगी। तो ये उसका होगा इन्वर्टिंग के लिए। और अगर हम बात करते हैं नॉन इन्वर्टिंग की, तो नॉन इन्वर्टिंग में हमने जो सिग्नल प्रोवाइड करना है वो जो जिसको हमने पॉजिटिव से डेजिग्नेट किया उसको करना है, लेकिन जो हमारी फिर नेगेटिव साइड नेगेटिव टर्मिनल होगा इन्वर्टिंग होगा उसको हम ग्राउंड कर देंगे और जो हमारी इनपुट सिग्नल होगी वो हम अपने पॉजिटिव जो टर्मिनल है ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको जो है हम देंगे। तो इसमें हमने ये देखा था कि अगर हमने एक टर्मिनल की बात करनी हो तो फिर हम अगर हम इन्वर्टिंग का बिहेवियर देखना चाहते हैं देन वी ग्राउंड दी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और अगर हम नॉन इन्वर्टिंग का बिहेवियर देखना चाहते हैं देन वी ग्राउंड दी इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक वक्त में हम एक ही इनपुट टर्मिनल को जो है वो इनपुट देते हैं, इनकी इस सूरत में वी अप्लाई इनपुट टू वन टर्मिनल, इट मे बी इन्वर्टिंग मे बी नॉन इन्वर्टिंग एंड द अदर टर्मिनल इज ग्राउंडेड।
यानी एक टर्मिनल को हमने इनपुट देनी है तो दूसरा जो है वो ग्राउंड होगा। तो अगर हम इनपुट जो है वो पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को दे रहे हैं तो नेगेटिव जो है वो हमारे पास जो है वो ग्राउंडेड होगा। तो अब अगर ऐसा हो कि हम दोनों इनपुट्स को इनपुट देते हैं, यानी अगर हमारे पास ये एम्पलीफायर है तो जिस तरह हमने पहले किया वैसे करने की बजाय हम क्या करते हैं कि इधर भी इनपुट सप्लाई करते हैं, यानी आप क्या करें इधर भी इनपुट दे दें, ये हमारी इन्वर्टिंग है, और हम क्या करते हैं कि इधर भी हम जो है वो इनपुट दे देते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों को एट द सेम टाइम जो है वो इनपुट दे रहे हैं और यहाँ पे हमें जो है वो आउटपुट मिलेगी। तो इसमें प्रॉपर्टीज को अपने ज़हन में रखना है कि अगर हम बात करेंगे अपने इस टर्मिनल की नॉन इन्वर्टिंग की, उसमें अगर हमारी इनपुट ये है तो हमें जो आउटपुट मिलेगी वो ये मिलेगी। और अब अगर हम बात करते हैं नॉन इन्वर्टिंग की, उसमें अगर हम इनपुट ये दे रहे हैं तो हमें जो आउटपुट मिलेगी वो सेम फेज के साथ एम्पलीफाई होके मिलेगी। तो जब ये दोनों अगर हम देखें तो इसमें हमें ये पता चल रहा है कि जब दोनों यहाँ पे आएंगी तो ये दोनों जो है वो आउट ऑफ फेज हैं, यानी ये वाली आउटपुट और ये वाली आउटपुट में जो फेज डिफरेंस है 180 डिग्री का है। तो दोनों ये एक दूसरे के इफेक्ट को रिड्यूस करेंगी। अगर ये एग्जैक्टली इक्वल हैं, यानी कि इस सिग्नल की जो पीक वैल्यू है और जो इस सिग्नल की पीक वैल्यूज हैं वो एग्जैक्टली इक्वल हैं, तो हमारे पास जो नेट वोल्टेज आएगी वो ज़ीरो आएगी। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर इनका जो डिफरेंस होगा, जो यहाँ पे हम वोल्टेजेस अप्लाई कर रहे हैं V1, लेट्स सपोज यहाँ V1 अपने अप्लाई किया और यहाँ V2 अप्लाई किया, तो फिर हमें आउटपुट को जो मिलेगा वो इनका जो डिफरेंस होगा वो एम्पलीफाई मिलेगा। और अगर ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं तो फिर हमें जो आउटपुट मिलेगी वो ज़ीरो वोल्ट मिलेगी, क्योंकि ये आउटपुट पे 180 के फेज डिफरेंस में होने की वजह से एक दूसरे को जो है वो शिफ्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और हमें आउटपुट जो है वो नहीं मिलेगी, यानी हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी आउटपुट में। तो लेकिन अगर ये डिफरेंस जो है इन दोनों का वो ज़ीरो नहीं है बल्कि आपस में कह लें कि इक्वल नहीं है, तो फिर इनका जो डिफरेंस होगा वो एम्पलीफाई होगा। तो इसलिए हम इन जनरल जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसको डिफरेंस एम्पलीफायर भी कह देते हैं, यानी डिफरेंशियल एम्पलीफायर हम इसे कह देते हैं। बेसिकली होता ये है कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है या डिफरेंस एम्पलीफायर है जो इनपुट्स की डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, वो हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक मखसूस एक बेसिक स्टेज होती है। इसलिए हमें इस पूरे एम्पलीफायर को अंडरस्टैंड करने से पहले, इसका आइडियल बिहेवियर देखने से पहले, जो इसकी स्टेज ये वाली है उसको हम देखेंगे, यानी जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टेज है उसका पहले हम आइडियल बिहेवियर देखेंगे, फिर हम जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तरफ चलेंगे। तो स्टूडेंट्स जो हमने बातें की हैं वो एक्चुअली ये हैं, उनको जरा हम राइट डाउन कर लेते हैं ताकि हमारे वो ज़हन में रहें। हमने ये बात की है कि अगर हम दोनों टर्मिनल्स पे जो है वो इनपुट्स देते हैं तो फिर जो डिफरेंस होता है उसका वो एम्पलीफाई होता है। आई मीन टू से कि इफ वी गिव इनपुट्स to both inputs of op amp, तो कौन सी दो इनपुट्स की हम बात कर रहे हैं, यानी इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। यानी ये सिचुएशन कि जिसमें हम जो इनपुट है
वो दोनों तरफ दे रहे हैं, इधर भी दे रहे हैं इनपुट और जो है वो हम इधर भी इनपुट जो है वो दे रहे हैं। तो इफ यू गिव इनपुट्स टू बोथ इनपुट्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर देन दिस एम्पलीफायर then it amplifies the difference between the inputs that are applied at inverting and non-inverting. जैसे कभी हमने देखा है कि अगर उनमें डिफरेंस जो है वो जीरो होगा तो फिर आउटपुट जो है हमें जीरो मिलेगी, यानी अगर दोनों जो है वो इनपुट जो हमने अप्लाई किए हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो इस वजह से चूँकि ये डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, इट एम्पलीफाइज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट्स, इस वजह से हम जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसको बुनियादी तौर पर डिफरेंस एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का नाम देते हैं। हेंस इन इट्स बेसिक फॉर्म the op-amp is nothing but a differential amplifier but यानी कि ये एक differential amplifier के तौर पर जो है वो काम कर रहा है। इसलिए ideal op amp को study करने से पहले हमें जो इसका एक basic part है जिसका हमने नाम दिया है differential amplifier, इसकी जो ideal characteristics हैं वो हम देखनी पड़ेंगी, फिर जो है हम अपने operational amplifier का जो ideal behavior है वो स्टडी कर सकते हैं, उसको फिर हम अंडरस्टैंड जो आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलें फिर हम आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर को देखते हैं, और सबसे पहले हम इसको जो है वो डिफाइन कर लेते हैं कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है क्या है। पिछले हम इसकी बात कर चुके हैं कि इट इज द एम्पलीफायर दैट एम्पलीफाइज द डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट वोल्टेजेस, यानी द एम्पलीफायर that amplifies difference between two input वोल्टेज सिग्नल्स। और टू इनपुट वोल्टेज सिग्नल्स कौन से हैं जो हमारे ऑप एम्प के होते हैं, जिसको हम नेगेटिव और पॉजिटिव से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम इसकी जो है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी जो ब्लॉक डायग्राम है उसको हम देखते हैं। तो ये हम एक फर्ज कर लें कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनाते हैं दैट इज आइडियल, यानी कि हमने क्या कहा कि ये आइडियल ये हमारा आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। अंदर सर्किटरी क्या है हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है,
और इसकी दो इनपुट्स हैं। तो ये वाले जो इनपुट हम देते हैं इन्वर्टिंग पे, उसको हम नाम दे देते हैं V1, और जो दूसरी इसकी इनपुट है इन्वर्टिंग, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग, तो उसको हम नाम दे देते हैं V2। तो ये हमारी जो है वो आउटपुट है। तो जैसा ये क्लियर है कि जो भी वोल्टेजेस हों, चाहे वो V1 है, चाहे वो V2 है, चाहे वो V0 है, यानी आउटपुट है, ऑल दीज आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इनको हम ग्राउंड के जरिए से, ग्राउंड से जो है वो मेजर करते हैं, इनकी जो वैल्यूज हैं दीज आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो जैसे कि हमने बात की है कि हमारी जो वोल्टेज होगी जो हमें आउटपुट में मिलेगी, वो जैसे मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा कि अगर प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा कि अगर उनका जो डिफरेंस है वो 0 है, यानी बोथ आर इक्वल, तो फिर डिफरेंस भी 0 होगा तो एम्पलीफिकेशन भी 0 होगी। लेकिन अगर डिफरेंस जो है वो 0 नहीं है, यानी नॉन 0 है, तो फिर जितना वो डिफरेंस होगा उतना जो है वो एम्पलीफाई हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कि अगर हमारी जो इनपुट्स हैं V1 और V2, तो जो हमारी आउटपुट होगी V0 वो प्रोपोर्शनल होगी डिफरेंस बिटवीन दी इनपुट्स, डिफरेंस बिटवीन दी इनपुट्स एंड V1 माइनस V2। तो ये इक्वेशन को हम रीराइट कर लेते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वोल्टेज, इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ इनपुट्स, यानी हमारा जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ये इनपुट्स के जो डिफरेंस होगा उसकी जो वैल्यू होगी डिफरेंस की, उसको ये एम्पलीफाई करेगा। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं तो हमारे पास जो है कॉन्स्टेंट आता है, उसको हम ए डी कह देते हैं, और ये हमारा डिफरेंशियल गेन होता है। और ये हमें ये बताता है कि हमारा जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वो इस डिफरेंस को कितना जो है वो, या कितने टाइम्स जो है वो एम्पलीफाई करेगा। तो ये जो डिफरेंस वोल्टेज है इसको हम वी डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो जब हम इसको मज़ीद रीअरेंज करते हैं तो जो हमारा डिफरेंशियल गेन है इट विल बी इक्वल टू V0 ओवर V D, यानी ये हमारे जो है वो आउटपुट है और ये हमारी इनपुट है, यानी जो दोनों इनपुट्स का डिफरेंस है, तो ये हमारे पास आ जाएगी। तो आउटपुट और इनपुट V1 माइनस V2, तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंशियल गेन होगी। तो यहाँ पर भी डिफरेंशियल गेन की बात आएगी, जिस जगह पर भी आएगी हमें ये चीज़ जो है वो याद होनी चाहिए। तो अब एक और स्पेशल और मखसूस पैरामीटर है रिलेटेड टू डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जिसको हम नाम देते हैं कॉमन मोड गेन, कॉमन मोड गेन। इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ए सी से करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा है कि जब हम दोनों इनपुट्स पे सेम वोल्टेज जो है वो अप्लाई करते हैं, सॉरी सेम वोल्टेज नहीं, यानी कि हम V1 और V2 दोनों वोल्टेजेस जो हैं वो अप्लाई करते हैं, तो आउटपुट जो होती है वो इन दोनों के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। तो अब अगर हम जो कंडीशन है वो ये कर देते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेशन, सॉरी जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, आप उसको दो जो वोल्टेजेस दे रहे हैं, यानी जो V1 होगी और जो V2 होगी,
ये हमारी आउटपुट टर्मिनल होगा। अगर ये दोनों वोल्टेजेस यानी जो आपने इन्वर्टिंग पे और नॉन इन्वर्टिंग पे दी हैं, अगर ये दोनों वोल्टेजेस जो हैं वो बराबर होंगी, यानी सेम इनपुट्स जो हैं वो आपने डिफरेंशियल एम्पलीफायर के इनपुट्स में जो है वो अप्लाई कर दी हैं, यानी इधर भी और इधर भी, और दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है। अब चूंकि कॉमन इनपुट आप दे रहे हैं दोनों को, तो इस सूरत में जो हमें गेन मिलेगा दैट विल बी कॉमन मोड गेन, और हम कहेंगे कि हमारा जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ये कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन में है। तो इस सूरत में अगर हम आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट हमारी क्या होगी, तो हम बेसिक डेफिनेशन से उसको निकाल सकते हैं। जैसे भी हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर देखा कि जो हमारी आउटपुट होगी इट विल बी इक्वल टू ए डी वी वन माइनस वी टू। तो जैसे कि हमने भी कंडीशन लगा दी कि कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन में है, इसका मतलब वी वन विल बी इक्वल टू वी टू, लिहाजा जो हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी आइडियली वो जो है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। इस कंडीशन के तहत हमारी जो आउटपुट होगी वो ज़ीरो होगी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ये आइडियल कंडीशन में है। तो प्रैक्टिकली हमारी जो वोल्टेज होती है, जो आउटपुट वोल्टेज है, इट इज़ नेवर इक्वल टू ज़ीरो, यानी अगर हमारे जो दोनों वोल्टेजेस हैं वी वन और वी टू ये दोनों इक्वल भी हैं तब भी हमारी जो वोल्टेज होगी वो ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि ये ऐसी होगी। तो ये वाली जो चीज़ है नॉट पॉसिबल, तो एक्चुअली जो है वो ये होता है। अब सवाल ये है कि जो हमारी वी नॉट है वो ज़ीरो नहीं होती इवन इफ वी वन इक्वल्स टू वी टू, तो इसकी रीज़न क्या है, क्यों ऐसा नहीं होता, जबकि जो इक्वेशन है वो तो हमें यही बताती है। तो बेसिकली होता ये है कि हमने जब अपने ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर या डिफरेंशियल एम्पलीफायर को डिज़ाइन किया, जैसे मैंने प्रीवियस बात की थी, इसकी जो इंटरनल सर्किटरी होती है उसके अंदर जो डायोड जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होती हैं, वो हमारे हैं ट्रांजिस्टर्स, जिनको हम BJTs भी कहते हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, और दूसरे जो टाइप्स हैं वो हैं उनके फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। तो अगर हमने इनको सेम टेक्निक से भी बनाया हो, यानी कि इनकी डोपिंग वगैरह या डायमेंशन वगैरह डिसाइड की हो, तो सेम टेक्निक से डिज़ाइन करने के बावजूद ये डिवाइसेस जो होंगी आपस में इनका कुछ जो बिहेवियर होगा वो एक जैसा नहीं होगा, देर विल बी सम काइंड ऑफ मिसमैचमेंट, तो कुछ ना कुछ जो है इनमें मिसमैच होगा। तो कुछ ना कुछ जो है इनका मिसमैच होगा। तो वो जो मिसमैच है वो उनकी डोपिंग की वजह, डोपिंग करते हुए आ सकता है, क्योंकि डोपिंग जो होती है वो पार्टिकल्स की तादाद में होती है, तो हमारे पास कोई अच्छा ऐसा वे नहीं है कि हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो ड्रॉप करें किसी क्रिस्टल के अंदर। तो हम एक क्वांटिटी जो है वो ड्रॉप करते हैं, उस क्वांटिटी में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो एटम्स हैं उनकी तादाद किसी दूसरे में, हो सकता है मेन क्वांटिटी उनकी सेम हो,
लेकिन जो पार्टिकल्स की जो तादाद है वो डिफर कर सकती है। तो इस वजह से हमने जो अपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिज़ाइन करने के लिए BJTs या FETs यूज़ किए हैं, तो चाहे इनके नंबर सेम भी हैं, सेम क्वालिटी के हैं, सेम कंपनी के हैं, तो तब भी ये आपस में किसी न किसी हद तक जो है वो मिसमैच करते हैं, जिसकी वजह से जो ये वाली वोल्टेज है वो हमें, ये वाली जो कंडीशन वो मिलती है कि अगर हमारे दोनों वोल्टेजेस सेम भी हों तो तब भी हमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो मिलेगी। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है किसी भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर की, इन रियलिटी वो कभी भी जो है वो ज़ीरो नहीं होगी। तो वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही होगी, एक उनका कॉमन मोड की डिपेंड कर रही होगी, कॉमन वैल्यू उनकी कितनी है, और दूसरी जो है वो जो इनपुट्स के दरमियान डिफरेंस है वो कितना है। तो हम लिख सकते हैं कि द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द प्रैक्टिकल डिफरेंशियल एम्पलीफायर हेंस द आउटपुट वोल्टेज ऑफ आ प्रैक्टिकल डिफरेंशियल एम्पलीफायर नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस वोल्टेज जिसको हमने V1 - V2 कहा, बट आल्सो डिपेंड्स ऑन द एवरेज कॉमन लेवल। Of the two inputs, यानी इन दोनों इनपुट्स का कोई कॉमन वैल्यू ऐसी होगी जो कि हमारे जो कंपोनेंट्स उनको जो है वो बायस कर रही है, इसकी वजह से हमें आउटपुट जो है वो मिल रही है, कॉमन लेवल ऑफ द टू इनपुट्स। तो सच एन एवरेज लेवल ऑफ द टू इनपुट्स such an average level of the two input signals is called कॉमन मोड सिग्नल। इज कॉल्ड कॉमन मोड सिग्नल। एंड इज डिनोटेड एज वी सी। और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये एवरेज वैल्यू है दोनों इनपुट्स की, तो ये होगा V1 + V2
ओवर टू। तो जैसे कि अभी हमने देखा है कि जो आउटपुट होती है हमारे डिफरेंशियल एम्पलीफायर की, वो ये जो कॉमन वैल्यू है इसके भी प्रोपोर्शनल होती है। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं कि आउटपुट वैल्यू ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज़ आल्सो प्रोपोर्शनल टू वी सी। और प्रीवियसली हमने ये देखा था कि जो एवरेज वैल्यू होती है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू वी वन माइनस वी टू, यानी ये हमने लिखा था कि वी नॉट इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस वोल्टेज। तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करते थे तो हमारे पास आता था ए डी डिफरेंशियल गेन, और यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन करेंगे तो हमारे पास जो भी कॉन्स्टेंट आएगा उसका हम नाम देंगे कॉमन मोड गेन। यानी जब हमने वी वन और वी टू कंडीशन अप्लाई की है तो फिर कितना हमें सिग्नल जो है वो मिला है। तो ये कॉमन वैल्यू होती है दोनों सिग्नल्स की जो हमारे कंपोनेंट्स को जो है वो बायस कर रही होती है, इसकी वजह से हमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो मिलती है। तो लिहाजा अब जो हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी, टोटल आउटपुट वोल्टेज होगी, इट विल बी द सम ऑफ दिस वन एंड सम ऑफ दिस वन। यानी जो हमारे टोटल डिफरेंशियल एम्पलीफायर की आउटपुट होगी वो ये होगी। सो दी दी टोटल आउटपुट ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ एनी डिफरेंशियल एम्पलीफायर विल बी, तो वो हमारी जो आउटपुट होगी इट विल बी वी नॉट इक्वल्स टू ए डी वी डी प्लस ए सी वी सी। यानी ये हमारी वो आउटपुट वोल्टेज होगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इनपुट्स, और ये हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी उनकी कॉमन वैल्यू की वजह से। तो ये भी पैरामीटर हमने याद रखना है। और इसमें एक चीज़ गौरतलब है वो ये है कि हमारी जो आउटपुट वोल्टेज होती है यानी डिफरेंशियल एम्पलीफायर को जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें जो हमारा ये वाला फैक्टर होता है जो डिफरेंस ऑफ इनपुट्स की एम्पलीफिकेशन को शो कर रहा है, इट इज़ वेरी वेरी लार्जर देन कॉमन मोड गेन। तो जो हमारा आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर होगा या आइडियल जो है वो डिफरेंस एम्पलीफायर होगा उसमें इस ये वाली वैल्यू जो होगी वो हम इन्फिनिट लेंगे, और ये वाली वैल्यू इन्फिनिट लेने का हमें फ़ायदा क्या होता है वो हम आगे जाके देखते हैं। बहर इस चीज़ को जो है आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट पैरामीटर के जो हम बात करने लगे हैं, नेक्स्ट पैरामीटर में इसकी जो अफादियत है वो हमारे सामने आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है रिलेटेड टू डिफरेंशियल एम्पलीफायर दैट इज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, तो इसको हम इन शॉर्ट सी एम आर आर बी लिख देते हैं। तो अब ये चीज़ क्या है इसको भी हम देखते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की है कि जब हम सेम इनपुट्स जो है वो अपने डिफरेंशियल एम्पलीफायर को अप्लाई करते हैं तो हमारा जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है हम कहते हैं कि ये कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन में है। यानी अगर हमने ये कंडीशन लगाई है कि हमारे जो वी वन है और वी टू आर इक्वल, यानी जो हमने जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर था उसके दोनों जो इनपुट्स हैं नॉन इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग,
अगर हमने यहाँ पे वी वन लगाई है, इधर वी टू लगाई है और दोनों जो हैं वो इक्वल हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है इट इज इन कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हम कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इसमें ड्यू टू मिसमैच ऑफ कंपोनेंट्स, बहुत सारे जो डिस्टरबेंस सिग्नल हैं डिस्टरबेंस सिग्नल्स या फिर अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसको हम जो है वो नॉइज सिग्नल्स कहते हैं, तो ये सिग्नल जो हैं वो हमें मिलते हैं जब हम कॉमन मोड में इसको ऑपरेट करते हैं। तो जाहिर है कि ये सिग्नल्स हमें नहीं चाहिए, तो जो हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसमें ये जो डिस्टरबेंस सिग्नल पैदा हो रहे हैं या नॉइज सिग्नल जो है पैदा हो रहे हैं, तो इनको रिजेक्ट करने की उसके अंदर जो है वो एबिलिटी होनी चाहिए। तो वो जो एबिलिटी है वो हम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो में देखते हैं। तो कॉमन मोड जो रिजेक्शन रेशियो है इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, द एबिलिटी ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर टू रिजेक्ट कॉमन मोड सिग्नल तो कॉमन मोड सिग्नल कहाँ से आएगा? क्योंकि हमने जो कंडीशन लगाई वो ये है कि जो भी डिस्टरबेंस जो है वो हमारी होगी, जो इधर होगी वही डिस्टरबेंस जो है वो इधर होगी। अब चूंकि दोनों जो हैं ये एम्पलीफाई होंगे, लेकिन दोनों की जो आउटपुट होगी वो 180 के फेज शिफ्ट से होगी, लिहाजा दोनों की जो एम्पलीफाइड आउटपुट होगी डिस्टरबेंस की वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही होगी, कैंसिल कर सकती होगी। तो किसी भी ट्रांजिस्टर में वो जो कैंसिलेशन है उसको हम मेजर करते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो में। तो द एबिलिटी ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर टू रिजेक्ट अ कॉमन मोड सिग्नल इज गिवन बाय अ रेशियो known as common mode rejection ratio। तो इसको जो हम मेजर करते हैं वो दोनों ये जो हमारी इनपुट्स हैं डिफरेंशियल इनपुट, सॉरी जो डिफरेंशियल आउटपुट है वो, यानी ये जो हमारी डिफरेंशियल सॉरी जो हमारी डिफरेंशियल आउटपुट है ए डी, और जो हमारी कॉमन मोड गेन है वो, इन दोनों की जो रेशियो है वो ली जाती है। तो इस रेशियो से हम जो है वो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो है वो कैलकुलेट जो है वो करते हैं। तो इसके वो इन डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।